मुझे लगता है कि इस बार रैंडम प्लेयर के साथ ग्रैंड मास्टर करने की चैलेंज लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इस बार जैसे मैंने 1 जून के 2:30 बजे गेम को ओपन करा तो गेम के अंदर एक छोटा सा अपडेट आया था, तो उसको मैंने कंप्लीट करा। फिर जैसे गेम ओपन हुआ सीएस रैंक की सीजन 19 ऑलरेडी शुरू हो चुका था और मेरा रैंक माइनस होकर डायमंड 4 पे अटक गया था, मतलब रीसेट हो गया। फिर जैसे मैंने सीएस रैंक को चेक करा मुझे पता चला कि इस सीजन का डबल एक्टिव स्किल ऑलरेडी गेम के अंदर आ चुका है, तो मैंने फटाफट उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर लोड आउट सेक्शन में जाके थोड़ा कैरेक्टर को चेंज करा और लोड आउट को चेंज करके सीक्रेट क्लू लेकर फर्स्ट गेम शुरू कर दिया। एंड जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ डबल एक्टिव स्किल को चूज करने का ऑप्शन आ गया, तो मैंने ओरियन के साथ के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। फिर जैसे राउंड स्टार्ट हुआ इस सीजन का मेरा फर्स्ट स्किल मुझे डबल यूएसपी से मिल गया, फिर मैंने उस स्किल को कंफर्म करा। फिर लास्ट के एनिमी बचा हुआ था और मेरे पास ग्रेनेड आ गया था, तो मैंने उस ग्रेनेड से उस एनिमी को डैमेज दिया, फिर गन से थोड़ा बहुत डैमेज देकर फर्स्ट राउंड को इजी पीजी निकाल लिया। लेकिन जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ फिर मेरे सारे के सारे टीममेट जाकर नॉक होकर फिनिश हो गए। अब यहाँ पे मैं अकेला बचा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे कवर लेने आया, उतने में ही एक एनिमी ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, तो मैं आके एक परमानेंट कवर पे वेट करा। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि हील करूं या फिर फाइट करूं, उतने में ही एक एनिमी मेरे पे रश करा, तो उसको मैंने हेडशॉट से नॉक करा। फिर एक और एनिमी पीछे से आया तो उसको मैंने बॉडी बॉडी से नॉक करा। फिर ओरियन बन के दूसरे एनिमी के साथ फाइट कर ही रहा होता हूँ कि वो दोनों मिलकर मुझे किल कर लिया और फिर सेकंड राउंड हमारा डिफीट हो गया। फिर थर्ड राउंड शुरू हुआ मार्स इलेक्ट्रिक पे, अब अपडेट के बाद मार्स इलेक्ट्रिक को थोड़ा चेंज करा गया है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि किस साइड से मुझे रश करना है। उतने में ही एक एनिमी मेरे पे फ्लैश फ्रेश फेंक देता है और फिर गन से मुझे नॉक कर देता है। अब उसके बाद मेरे जितने भी टीममेट थे वो भी एक एक करके नॉक हो जाते हैं, मतलब थर्ड राउंड भी हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर शुरू हुआ फोर्थ राउंड फैक्ट्री पे। अब फैक्ट्री पे मैं हमेशा क्या करता हूँ कि यहाँ पे आकर लेट जाता हूँ और फिर स्कोपिंग करके एनिमी को डैमेज देता हूँ। लेकिन अपडेट के बाद इस जगह को भी थोड़ा सा चेंज करा गया है कि जब भी मैं स्कोपिंग करके फायर कर रहा हूँ एनिमी के ऊपर वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैंने फटाफट ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड मेरे ग्रेनेड से एक एनिमी नॉक हो गया। और फिर उसके बाद बाकी एनिमीज को हमने गन से फिनिश कर दिया और फिर फोर्थ राउंड मतलब फैक्ट्री वाले राउंड को हमने विक्ट्री करवा लिया। देन उसके बाद फिफ्थ राउंड शुरू हुआ केप टाउन पे। अब केप टाउन को भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन इस बार हमने केप टाउन के अंदर फाइट को इजीली हैंडल कर लिया और फिर केप टाउन वाले राउंड को भी हमने इजी पीजी विक्ट्री निकाल दिया। फिर सिक्स राउंड शुरू हो गया था पोचिनोक पे एंड राउंड स्टार्ट होते मैंने एक एनिमी को गन से बॉडी बॉडी से नॉक कर दिया। फिर उसको बचाने के लिए उसका एक टीममेट आ रहा था एंड उसको भी मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, तो इसके वजह से वो अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं दिया। फिर उतने में ही मेरे टीम से सारे के सारे टीममेट फिनिश हो जाते हैं और मुझे 1v2 फेस करना पड़ता है। फिर उतने में ही मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पास में एक एनिमी अचानक आ जाता है। फिर मैं ओरियन बन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो एनिमी क्या करता है कि डबल डोर से बाहर चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोबारा ओरियन बन के डबल डोर के ऊपर आ जाता हूँ एंड उसको लगता है कि मैं डबल डोर के ऊपर कैंप करूंगा, लेकिन मैं उसके विंडो से जंप कर लेता हूँ और फिर उसी को पीछे से बॉडी बॉडी से नॉक कर देता हूँ। फिर ये नॉक होने के बाद इसको फटाफट क्लियर करता हूँ एंड आखिरी का एक एनिमी कहीं पे छुपा हुआ था। अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता ही नहीं था, तो इसलिए मैं उसके ऊपर डायरेक्ट रश नहीं करा, सबसे पहले इस घर के अंदर आके उसको स्पॉट करा एंड उतने में मैंने नोटिस करा कि वो वुकोंग बन के मूव कर रहा है। तो मैंने वॉल लगाया एंड ओरियन बन के सबसे पहले उसके वुकोंग को तोड़ा और फिर बॉडी बॉडी से उसको नॉक करके फर्स्ट गेम को इजी पीजी बुया निकाल दिया। एंड जैसे ये फर्स्ट गेम फिनिश हुआ मुझे याद आया कि आप में से किसी एक भैया ने कमेंट करके बोले थे कि अगर हम गेम के अंदर सारे के सारे पैसिव स्किल लेके जाएंगे तो गेम के अंदर हमें 2 एक्टिव स्किल सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, इसके वजह से हम 6 कैरेक्टर को सीएस रैंक में यूज कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने सारे के सारे पैसिव स्किल को लेकर गेम के अंदर एंट्री करा तो मुझे 2 एक्टिव स्किल सिलेक्ट करने का मौका तो मिला, लेकिन 2 एक्टिव स्किल सिलेक्ट करने के बाद जो लास्ट पैसिव स्किल होता है वो गेम के अंदर से माइनस हो गया। अब मेरे स्किल सेक्शन में सबसे लास्ट में इलीट अलवारो था, तो यहाँ पे इलीट अलवारो कैंसिल हो गया और फिर देखते देखते ये सेकंड गेम को हम हार जाते हैं और फिर प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से ये मेरा माइनस नहीं लगता है। और फिर उसके बाद मैंने अपने कैरेक्टर सेक्शन को चेंज कर दिया और फिर नॉर्मल कैरेक्टर लेके गेम स्टार्ट कर दिया। अब इस गेम के अंदर मुझे एक अच्छी स्क्वाड मिली थी जिसके वजह से हम ये गेम को इजी पीजी एक के बाद एक राउंड को विन कर रहे थे। अब फर्स्ट के 2 राउंड को तो हमने इजी पीजी विन करवा लिया, लेकिन उसके बाद वाले राउंड पे एनिमी परफेक्ट कमबैक कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर ही देख लो, एक मैंने टीममेट एनिमी के साथ फाइट कर रहा था तो वो नॉक हो जाता है, तो इसी के वजह से मैंने ग्रेनेड कूक करके फेंक दिया एंड उस ग्रेनेड से नॉक निकल गया। मुझे लगा वहां पे एक एनिमी होगा तो उसको मैंने क्लियर करने गया ही होता हूँ कि वहां पे एक और एनिमी मुझे मिल जाता है, मतलब देखते ही देखते मेरा डबल किल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैं थर्ड एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ, लेकिन जो लास्ट एनिमी बचा होता है उसका लोकेशन मुझे परफेक्टली पता नहीं होता है और पता नहीं वो अचानक तछुआ लगा के कहां से आया और मुझे किल करके ये राउंड को हमारा डिफीट करवा दिया। फिर उसके बाद हम एनिमी से सेकंड राउंड भी हार गए और थर्ड राउंड भी हार गए। फिर एनिमी का 3 पॉइंट हो गया था, इसके वजह से हमने उनके ऊपर रश नहीं करा। उतने में एक एनिमी को मैंने स्पॉट कर दिया एंड उसको थोड़ा बहुत हेडशॉट भी दे दिया एंड वो एनिमी ने कंटेनर के अंदर वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने उसकी वॉल को तोड़ के नॉक करा। फिर ओरियन बन के ग्रेनेड से भी प्रोटेक्ट हो गया एंड उतने में उसका एक और टीममेट मेरे पर रश कर देता है, लेकिन मैं ग्लू वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ फिर से। और फिर उसके बाद मैंने नोटिस करा कि जिस एनिमी को मैंने नॉक करा था उसका टीममेट जाके उसको रिवाइव दे रहा है, तो इसलिए मैंने फटाफट ग्लू वॉल तोड़ना चालू कर दिया और फिर वो लोग रिवाइव होकर उठे ही होते हैं कि हम लोग उनको फिर से नॉक कर देते हैं। अब इसके बाद आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था एंड उसका लोकेशन भी मुझे पता चल गया, तो उसके ऊपर मैंने फटाफट रश करके बॉडी बॉडी से उसको फिनिश कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच को विन कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे वो लोग हमारे ऊपर अचानक रश करे और फिर लास्ट
लास्ट राउंड के अंदर हमारे एक एक करके सारे टीममेट फिनिश होने लगे और फिर ये राउंड को मतलब ये गेम को हम लोग हार गए। फिर उसके बाद मैंने एक और गेम चालू कर दिया एंड यहाँ तक गेम हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। मतलब हम एक गेम को विन कर रहा था, फिर एक गेम को हार रहा था, फिर एक गेम को विन कर रहा था, लेकिन इस मैच के रैंडम प्लेयर काफी बढ़िया निकल गए। मतलब ये गेम को हम एक के बाद एक विक्ट्री करवाते गए और फिर लास्ट में 4-2 से हम ये गेम को विन कर गए। और फिर उसके बाद मैंने उनके ग्रुप पे रिक्वेस्ट भी डाल दिया एंड उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ खेलते खेलते मेरा डायमंड से हीरोइक हो गया एंड जैसे मेरा हीरोइक हुआ वो लोग ऑफलाइन चले गए, तो इसके वजह से मुझे फिर से सोलो मतलब रैंडम के साथ गेम को स्टार्ट करना पड़ा। और फिर इसी गेम में ही मेरा फर्स्ट क्वार्टर किल हुआ था। तो हुआ ये था कि फर्स्ट राउंड को हमने इजी पीजी विन करवा लिया था, जैसे कि मेरा ट्रिपल किल हुआ था। तो इसी की वजह से मेरे पास P90 खरीदने के जितने पैसे हो गए थे, तो मैंने फटाफट P90 को परचेस करा एंड उतने में ही मेरे दिमाग में ये चीज हिट हुआ कि सामने वाले जो एनिमी है वो फर्स्ट राउंड को हार गए थे, मतलब अभी उनके पास बस मैं नहीं होगा, मतलब मैं चाहूँ तो ये एलसेप के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर इजिली फाइट ले सकता हूँ। तो इसके वजह से मैंने फटाफट ये एलशेप के ऊपर आ गया, उतने में मुझे नीचे एक एनमी मिला एंड उसको मैंने हेडशॉट से नॉक कर दिया। फिर उसको बचाने के लिए उसका एक टीममेट आया, तो मैंने फटाफट उसका ग्लूअल तोड़ा एंड जो उसको बचाने आया था उसको भी नॉक कर दिया। फिर इस एनमी को मैं क्लियर करने जा ही रहा होता हूँ कि वुडन हंट के पास मुझे एक और एनमी मिल जाता है एंड उसको भी मैं हेडशॉट और बॉडी शॉट से नॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद आखिरी का एक एनिमी इसी वुडन हंट के अंदर होता है, तो मैं फटाफट इसके विंडो से उसकी क्रोनो को तोड़ता हूँ, फिर उसको बॉडी बॉडी से नॉक करके या फिर किल करके क्वार्टर कर लेता हूँ और फिर मुझे इस सीजन का मेरा फर्स्ट क्वार्टर किल मिल जाता है। और फिर थोड़े टाइम के बाद देखते देखते हम थर्ड राउंड को भी विन कर जाते हैं एंड ये था उस मैच का लास्ट राउंड, मतलब 3-0 पॉइंट हो गया था। आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था, इसको किल करने के बाद ये राउंड हमारा बुया हो जाता है और फिर इस राउंड को हम इजी पीजी विन भी कर जाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने जितने भी सारे गेम चालू करा मेरे साथ में काफी अच्छे अच्छे रैंडम प्लेयर आ रहे थे, इसी की वजह से हम लोग एक के बाद एक गेम को इजी पीजी बुया कर रहे थे। मतलब लिटरली मुझे ज्यादा किल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, मैं बस लास्ट का एक दो एनिमी को किल कर रहा था और फिर मैच इजी पीजी बुया हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने लिटरली काफी सारे मैच को बुया करा, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़े टाइम के बाद गेम के अंदर मेरा 999 पिंग होना चालू हो गया। और फिर उसके बाद मैंने इसी के वजह से गेम को थोड़े टाइम के लिए बंद करा, लेकिन तब तक मेरा 10 का स्ट्राइक हो चुका था एंड जैसे मैं थोड़े टाइम बाद गेम को फिर से चालू करा, तो मेरे साथ जो रैंडम प्लेयर आए थे वो 3 प्लेयर आपस में बात करके खेल रहे थे, इसके वजह से उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग था, लेकिन पता नहीं कैसे हम फर्स्ट राउंड को हार जाते हैं। फिर सेकंड राउंड के अंदर मैच स्टार्ट होता है केप टाउन में, पर इस राउंड के अंदर मैंने लिटरली ट्रिपल किल कर दिया था। इसके वजह से जो वो 3 प्लेयर थे वो मेरे से थोड़े इंप्रेस हो गए, इसके वजह से वो खुद माइक ऑन करके बोले कि हमारे साथ आप बाकी मैच भी खेल लो। फिर उसके बाद क्या, जैसे ही हम ये गेम को 4-1 से बुया कर लिया, उसके बाद उनके इन्विटेशन मेरे पे आ गया, तो मैंने फटाफट उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और फिर उनके साथ हमने काफी अच्छे से एक के बाद एक मैच को इजीली बुया करते गए। और ऊपर से उनके साथ खेलने के टाइम पर मेरे सामने 1v4 का भी एक सिचुएशन आया था, जहां पर मेरे पास ग्लूअल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मुझे एयरड्रॉप दिखा, तो मैं फटाफट ओरियन बन के एयरड्रॉप को लूट करा, उस एयरड्रॉप के अंदर से मुझे ग्लूअल मिल गया, तो उसका कवर बना के मैं एक एनिमी को नॉक करा, फिर उसके बाद ओरियन बना, फिर दूसरे एनिमी को नॉक करा, फिर एक और बार ओरियन बन के तीसरे एनिमी को नॉक करा, लेकिन लास्ट वाले एनिमी ने मुझे फिनिश कर दिया। और ये गेम प्ले देख के तो वो और भी इंप्रेस हो गए थे, इसके वजह से हमने और भी थोड़ा अपना कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करा। और ऊपर से उनमें से एक प्लेयर दिमित्री कैरेक्टर को यूज कर रहा था, वो भी थीवा कैरेक्टर के साथ, और उसके वजह से लिटरली हम एक आर्थोपे मैच को भी विन कर गए। जैसे कि यहाँ पे मैं नॉक हुआ, उनमें से एक दिमित्री यूज कर लिया और फिर मैं एक सेकंड में रिवाइव हुआ एंड मेरा एचपी भी फुल हो गया, उतने में मैं एक एनिमी को नॉक कर दिया और फिर आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था, वो लोग उस पर कूद के वो भी एनिमी को मार देते और फिर ये हम हारते हुए मैच को इजी पीजी बुया कर लेते। अब देखो रैंडम प्लेयर के साथ सीएस रैंक खेलने का टाइम पर इतनी अच्छी स्क्वाड मिलना लक के ऊपर डिपेंड होता है। अब मुझे जब इतनी अच्छी स्क्वाड मिल ही गया है, तो मैं उनके ग्रुप को छोड़ा ही नहीं, उनके साथ और गेम प्ले कर लिया एंड लिटरली इसी की वजह से हमने काफी सारे मैच को बुया निकाला था। अब मेरे पास ऑलरेडी 10 का स्ट्राइक हुआ पड़ा था, तो अब गेस करो कि मैं उन्हीं स्क्वाड के साथ खेल के अपने स्ट्राइक को कितना ज्यादा बढ़ाया रहूं। चलो मैं बता देता हूं आपको, तो उन स्क्वाड के साथ खेल के मेरा 12 का स्ट्राइक हुआ, फिर 13 का हुआ, फिर 14 का हुआ, फिर 15 का हुआ, फिर 16 का हुआ, फिर 17 का हुआ, फिर 18 का हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद एक गेम को खेलने के टाइम पर मेरा उतना ज्यादा किल हुआ नहीं, तो हम उस मैच को हार गए एंड लिटरली उन लोगों ने उनके ग्रुप से मुझे किक करवा दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया कि वो लोग ऐसे कैसे किक करवा दिए, तो मैं रैंडम के साथ एक और मैच चालू कर दिया, फिर देखते ही देखते मैं उस गेम को भी हार जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि अभी काफी टाइम के लिए मैं गेम खेल लिया, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने गेम को बंद करके 1-2 घंटे के लिए रेस्ट लिया। फिर उसके बाद जैसे मैंने गेम पे आया, मैं काफी फ्रेश माइंड में था, तो उसका रिजल्ट कुछ ये हुआ कि मैं वो गेम को 4-0 से विन कर गया। और फिर उसके बाद मैं जितने भी सारा गेम खेल रहा था वो सारे गेम में बढ़िया क्लच के साथ इजिली बुया हो रहा था। जैसे कि ये गेम पे मैंने लिटरली क्वार्टर किल करा था। अब ये गेम में राउंड स्टार्ट होते मैंने फर्स्ट नॉक को निकाल दिया था, फिर उसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने जा ही रहा होता हूं कि ग्लूअल में फंस जाता हूं। फिर उतने में एक मेरा टीममेट आके दिमित्री लगा देता है, तो उसके वजह से मैं 1 सेकंड में रिवाइव हो जाता हूँ।
फिर रिवाइव होने के बाद मैं फटाफट घूम के एनिमी के पीछे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे वो एनिमी ने मुझे स्पॉट नहीं कर पाए थे, तीनों के तीनों एनिमी एक जगह पे खड़े थे, तो मैं फटाफट उनको नॉक करता हूँ, ओरियन बनता हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके तीनों के तीनों एनिमी को मैंने बॉडी बॉडी से नॉक कर देता हूँ और फिर मेरा क्वार्टर किल हो जाता है। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये मैच भी बुआ हो जाता है। एंड इसके बाद जैसे मैंने एक और मैच चालू करा, हमारी ओपोनेंट में डैडी कॉलिंग आ गई थे, जो कि काफी पुराने यूट्यूबर है, मतलब मेरे से पहले भी यूट्यूब कर रहे हैं। फिर देखते देखते हम दोनों का पॉइंट 2-2 हो जाता है और अभी तक मेरा 0 किल होता है। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ मेरा असली गेम प्ले। अब ये राउंड कैप्टन में बना था और डैडी कॉलिंग के ग्रुप से लास्ट के दो प्लेयर बचे हुए थे, उनमें से एक प्लेयर मुझे यहाँ पे मिल गया एंड बेचारा उसका M10 रीलोड पे था तो वो मुझे मार नहीं पाया। और फिर लास्ट के एनिमी भी मुझे सामने मिल गया, उसको मैंने थोड़ा सा बॉडी शॉट मारा और वो भी इजी पीजी फिनिश हो गया और फिर ये राउंड हमारा विक्ट्री हो गया। फिर उसके बाद हमारा 3-2 पॉइंट हो गया और फिर राउंड स्टार्ट हुआ न्यूरक डैम पे। एंड राउंड स्टार्ट होते मैंने नोटिस करा कि मेरे टीममेट उनके ऊपर रश कर रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। एंड इसी के वजह से जैसे मेरा टीममेट नॉक हुआ, मैं उसके आसपास था, तो मैंने फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि उनके टीम से आखिरी के दो एनिमी बचे होते हैं, तो मैं फटाफट ग्लूवल लगा के उनके ऊपर फेक रश करना चालू कर दिया। एंड जैसे वो मेरे पे रश करे तो मैं कवर पे आके उन्हीं को ही बॉडी बॉडी से नॉक कर दिया। फिर आखिर का एक एनिमी बचा हुआ था, उसको भी मैंने बॉडी बॉडी से नॉक कर दिया। और फिर देखते ही देखते हम ये गेम को 4-2 से इजी पीजी बुआ करवा लेते। अब ये गेम को बुआ करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया और फिर उसके बाद मैंने जितने भी सारे गेम चालू करा उस सारे गेम पे बढ़िया क्लच के साथ काफी इजीली बुआ होने लगा। जैसे कि आप ये वाला क्लिप ही देख लो, मतलब छोटी सी जगह पे मैंने क्वार्टर किल करा। सबसे पहले तो मैंने ये वाला एनिमी को नॉक करा, फिर दोनों के दोनों एनिमी बीच में घुस के रिवाइव कर रहे थे तो मैंने उनको भी नॉक करा। फिर उसके बाद आखिरी के दो एनिमी बचे हुए थे तो मैंने ओरियन बना तो उससे एक एनिमी नॉक हो गया। फिर लास्ट के एनिमी बचा हुआ था वो मुझे शायद स्पॉट नहीं कर रहा था, इसके वजह से मेरा क्वार्टर किल हो गया। अब शायद ये मैच बुआ करने के बाद मैं काफी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसके वजह से नेक्स्ट गेम को मैं हार जाता हूँ। अब इसके बाद जैसे मैंने टाइम चेक करा तो रात के 9-10 बज रहे थे, इसके वजह से मैंने कहा कि आज के लिए इतना पुश काफी है, बाकी हम अगले दिन देखेंगे। एंड अभी हम बात करते हैं कि रैंडम प्लेयर के साथ खेलने के बाद मैंने इस सीजन में क्या सीखा। तो सबसे पहली बात कि रैंडम प्लेयर के साथ खेलने के टाइम पर आपको हर एक टीममेट के ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि कौन सा टीममेट नॉक होने वाला है या फिर कौन सा टीम को आप पहले बचा सकते हो। क्योंकि मेरा ये वाला टीममेट नॉक होने के बाद मैंने नोटिस करा कि मेरे पीछे एक और टीममेट मेरे एनिमी के साथ फाइट कर रहा है, तो इसके वजह से मैंने उसको कवर देने चला गया तो वो मेरा टीममेट बच गया। अब इसके बाद मैंने एक और चीज सीखा कि सारे रैंडम प्लेयर नूब नहीं होते या फिर सारे रैंडम प्लेयर ऑफलाइन नहीं जाते, तो इसके वजह से कभी भी मैच हारने के बाद रैंडम प्लेयर को ब्लेम मत करना। अगर आप मैच हारते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से। एंड ऊपर से एक और प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं कभी भी गेम को एक या फिर दो घंटे से ज्यादा खेल ही नहीं पाता, लेकिन पता नहीं कैसे इस सीजन मैंने टोटल 5 घंटे कंटिन्यू गेम खेला और इसके वजह से मेरा सर काफी ज्यादा दुखने लगा है। पता नहीं मैं नेक्स्ट डे खेल भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके एक दिन के अंदर रैंडम प्लेयर के साथ खेल के डायमंड से हीरोइक 28 स्टार कर लिया है। बाकी देखते हैं आगे गेम कैसा जाएगा। वैसे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात बताना था, लेकिन उससे पहले वीडियो काफी लंबा हो चुका है और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो देन रैंडम प्लेयर ओपी कमेंट कर देना ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं। लेकिन आप मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी स्टाइल में देखना पसंद करोगे। मतलब जैसे आपने अभी वाला वीडियो देखा कि जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताया कि गेम खेलने के टाइम पर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं किस रैंडम प्लेयर के साथ ज्यादा गेम खेला, फिर मेरे ओपोनेंट में कौन से प्लेयर आए थे और किस रैंडम प्लेयर के साथ मैं लगातार खेल के कितना ज्यादा स्ट्राइक करा, मतलब वैसे स्टोरी के स्टाइल में देखना चाहोगे या फिर जैसे हम प्लेयर एक्सप्लेन में बस क्लचेस को देखते थे, वैसे इस सीरीज में भी मैं आपको बढ़िया बढ़िया बस क्लचेस ही दिखाऊं।